नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी की स्पेशल फूड हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हुए एक स्वीट डिश महाराष्ट्र से। जी हाँ, शायद आपने सही अनुमान लगाया। आज हम बात करने वाले हैं पूरणपोली की रेसिपी तथा इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, पूरणपोली का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में महाराष्ट्र की छवि बनती है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरणपोली सिर्फ महाराष्ट्र में ही खाई या बनाई जाती हो। पूरे साउथ इंडिया में पूरणपोली बनाई जाती है तथा खाई जाती है, बस इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इसे बोपट्टू या बक्षाम के नाम से, कर्नाटक में होलीगे या ओबट्टू के नाम से, पायसा बोली केरला में बक्षालू या पोली के नाम से, तेलंगाना में कोंकण क्षेत्र में इसे ओबाटी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम पूरणपोली जो नाम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस नाम की रूट हमें ले जाती है संस्कृत में। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरण तथा पोली। पूरण का अर्थ संस्कृत के पूर्ण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कंप्लीट, और पोली महाराष्ट्र में रोटी को पोड़ी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एक ऐसी रोटी जो कि पूर्ण हो या पूर्ण रूप से भरी हुई हो। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूरण पोली एक तरह का स्टफ्ड पराठा होती है। इसमें एक अंदर फिलिंग भरी जाती है। अब ये फिलिंग होती है चने की दाल की, जिसे गेहूं के आटे की रोटी में भरा जाता है और फिर इसे बेला जाता है। चलो दोस्तों, अब हम इस रेसिपी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूरण पोली में जैसा मैंने बताया कि दो चीज़ें लगेंगी, एक स्टफिंग तथा एक रोटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टफिंग कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, पूरण पोली की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल। चने की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया जाता है, जिससे नरम हो जाए, और फिर इसे कुकर में अच्छे से पका लिया जाता है कि एकदम इसका हलवा बन जाए। बिल्कुल हमें इसका हलवा ही बनाना है, और फिर हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब बात आती है इसको पकाने की और इसको मीठा करने की। तो हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालते हैं और फिर उसमें हम शक्कर या गुड़ डालते हैं, और फिर पूरण उसमें मिक्स कर दिया जाता है। जितना आपको मीठा लगे उस अनुपात में आप शक्कर या गुड़ लीजिए। अब इसको अच्छे से होमोजिनाइज यानी कि एक साथ होने तक मिलाया जाता है, और फिर जब हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आप जायफल और इलायची को पीस करके इसमें डाल दीजिए, जिससे इसमें प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। तो ये हो गई हमारी फिलिंग तैयार। अब हम बात करते हैं कि इसकी रोटी की। दोस्तों, रोटी सिंपल है। रोटी को बेला जाता है थोड़ा छोटे आकार में, और फिर इसमें जितना हमने आटा लिया उसी हिसाब में हमको ये फिलिंग, जिसे पूरण कहा जाता है, वो लेना है। अब इसे अच्छे से बंद करके चपटा कर लिया जाता है और फिर पतला होने तक अच्छे से बेला जाता है। अब हमारा ये रोटी तैयार हो गई। अब इसे तवे पे पकाना है। तो दोस्तों, तवे पे हल्का सा घी डालिए, फिर इस पूरण पोली को उस पर रखिए और दोनों तरफ से घी लगा के पराठा जैसा करारा होने तक सेकिए। लीजिए, बनके तैयार है आपकी पूरण पोली। अब आप इसे खाइए फीके दूध और चरखी चने की दाल की आमटी के साथ, तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मीठी रोटी या मीठे पराठे के इतिहास को लेकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज से 400 साल पुराने किसी भी ग्रंथ में हमें पूरणपोली नाम से किसी भी डिश का उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पूरणपोली सिर्फ 400 साल पुरानी डिश है। दोस्तों, पूरणपोली का सबसे पुराना उल्लेख हमें 12वीं शती के संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मंसोलस्सा में मिलता है, जो कि कर्नाटक के राजा सोमेश्वरा तृतीय के समय लिखा गया था। दोस्तों, अगर आप मेरी फूड हिस्ट्री सीरीज ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको जगह जगह पे मंसोलस्सा में उल्लेख मिलता है, 12वीं सदी के मंसोलस्सा, इसका नाम हमेशा ही मिल जाता है। दोस्तों, कितना बड़ा काम किया राजा सोमेश्वरा तृतीय ने कि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखवाया मंसोलस्सा नाम का, जिसमें हमारे पाक कला के इतिहास को अपने में संजो के रखा है। नहीं तो दोस्तों, बिरयानी के इतिहास की तरह इसे भी कह दिया जाता कि पूरणपोली कभी मुगल ही लाए थे। और दोस्तों, बिरयानी से मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई कि मेरा अगला वीडियो बिरयानी के इतिहास पर ही आने वाला है, जो कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो राजा सोमेश्वरा तृतीय का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी के तेलुगु इंसाइक्लोपीडिया मनुचरित्र, जिसे अल्लासनी पेडन जी ने लिखा था, इसमें हमें पूरणपोली का उल्लेख बक्षाम नामक डिश के रूप में मिलता है। फिर 16वीं शताब्दी के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में इसका उल्लेख हमें एक स्वास्थ्यवर्धक डिश के रूप में मिलता है, और भाव प्रकाश के रचयिता थे हमारे प्यारे भाव मिश्र जी। फिर इसका उल्लेख हमें एक और आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम था भेषज रत्नावली, और इसे लिखा था श्री गोविंद दास जी ने। इसमें भी
इसका उल्लेख हमें एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के रूप में ही मिलता है। अब दोस्तों 13वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के महान संत ध्यानेश्वरा जी द्वारा रचित ध्यानेश्वरी में भी पूरणपोली जैसी डिश का एक उल्लेख हमें मिलता है। तो ये बात तो है कि पूरणपोली का इतिहास वाकई में काफी पुराना है। अब दोस्तों क्योंकि हमारी पूरणपोली एक स्वीट डिश है तो इसे खुशी के साथ जोड़कर देखा जाता है और खुशी का सीधा संबंध भारत में होता है त्योहारों से। तो महाराष्ट्र में इसे कोजागिरी पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी तथा होली जैसे त्योहारों पर जरूर बनाकर खाया जाता है। केरल तथा तमिलनाडु में इसे पारंपरिक व्यंजन जिसे संध्या क्यूजिन कहा जाता है इसमें पायसम के साथ खाते हैं। कर्नाटक में उगाड़ी फेस्टिवल में ठीक इसी तरह आंध्र प्रदेश में ओबट्टू त्योहार के मौके पर इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने में रहे आपको जीवन में एक ना एक बार तो पूरणपोली जरूर खानी चाहिए, नहीं तो फिर भारत में आने का फायदा ही क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपको पूरणपोली कैसी लगती है तथा हमारा वीडियो भी आपको कैसा लगता है। और यदि आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में परिवारों में इसे शेयर करने में हिचकिएगा मत। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की फूड हिस्ट्री के ऊपर छोटी सी प्रस्तुति। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।